दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से जुड़ी हुई आ रही है। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। पीएम मोदी 76% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है और दुनिया भर के तमाम दिग्गज नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी को दुनिया भर के वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। उन्हें 76% लोगों ने सबसे लोकप्रिय नेता माना है। इस सूची में दूसरा स्थान मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर को मिला है, जिन्हें 61% अप्रूवल रेटिंग मिली है। तीसरे स्थान पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है, उन्हें 49% लोगों ने दुनिया का लोकप्रिय नेता माना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को 48% और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 42% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं के टॉप 5 लिस्ट से बाहर हैं। बाइडेन को 40% और सुनक को 27% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो पीएम मोदी से काफी कम है। ग्लोबल नेताओं की लोकप्रियता का यह आंकड़ा 6 से 7 सितंबर के बीच इकट्ठा किया गया है। इसी बीच भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और दुनिया भर के नेता दिल्ली में मौजूद थे। और वहीं सनातन पर विवादास्पद टिप्पणी, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा चुनावी फास बन सकता है। पीएम मोदी ने कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इंडिया अलायंस पर प्रहार किया और कहा कि विपक्ष सनातन को मिटाने में जुटा हुआ है, इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी पहले मध्य प्रदेश में सागर जिले के बीना गए और फिर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे। दोनों ही राज्यों में सनातन का मुद्दा जोर शोर से उठा, कहा विपक्ष सनातन को मिटाने में जुटा है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। एक गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। गमंडिया गठबंधन की नीयत है, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। और सनातन के मुद्दे पर विवादास्पद टिप्पणी करके विपक्ष घिर गया है। पीएम मोदी के प्रहार के बाद खुद इंडिया गठबंधन से ही सनातन धर्म के समर्थन में बड़ी आवाज उठी। दक्षिण से सनातन पर की गई विवादित टिप्पणी इंडिया गठबंधन के गले की फांस बन चुकी। कल जब पीएम ने इसी मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार किया तो दक्षिण से ही सनातन के समर्थन में खुलकर आवाज आई। ये कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे हैं। The Prime Minister is free to say whatever he wants. He is the Prime Minister of India, but there are more pressing issues that he should concentrate on. People are accusing him of rigging the economic growth of the country. China is building tunnels, China is building villages here. Those are the things he should be concentrating on. सनातन धर्म हैज सर्वाइव्ड फॉर ओवर 3500 इयर्स, इट विल सर्वाइव फॉर अनदर 3500 इयर्स, इट डज नॉट रिक्वायर एनीबॉडी टू सपोर्ट इट। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और राज्य में मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी और कहा था कि सनातन का विरोध नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए।